हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। वो बिल्कुल नो कॉस्ट में आपके फेस को बहुत ही सुंदर लुक देगा। तो आइए वीडियो के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आप सिर्फ दो चीज़ों को यूज़ करके और उसको दो पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लेंगे इसमें एक टेबलस्पून शुगर और हाफ स्लाइस टोमेटो, और इससे हम फेस स्क्रब भी करेंगे और इसके साथ फेस मास्क भी बनाएंगे। तो दो चीज़ों से लेके हम दो फ़ायदे ले रहे हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप अपने फेस पर जो लगाने जा रहे हैं उससे होता क्या है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जब शुगर और टोमेटो कंबाइन होते हैं तो वो एक्सफोलिएशन का काम करते हैं। उसका मतलब ये है कि आपके स्किन से जितने भी डेड सेल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, या फिर कभी पिंपल मार्क्स या एक्ने जो भी है, वो सभी आपके स्किन से चले जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो को देखने के बाद पसंद आए, अगर आपके चेहरे पे डिफरेंस आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले, इसमें मैंने कुछ चीनी डाल दिया है, आपको इसके ऊपर एक टीस्पून चीनी डालना है। तो आइए थोड़ा और चीनी डाल लेते हैं। इसके ऊपर चीनी डाल दिए हैं। अब इसको क्या करना है, आप इसके का जो जूस है इसमें चीनी को ऐसे डाल दीजिए और इसको अपने गालों में लगाना है। आपको ऐसे स्टार्ट करना है। रुक जाओ टीस, इसको आपको पूरा अपने फेस में लगा लेना है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि डेड सेल्स ज़्यादा है या कभी पिंपल से मार्क्स हुआ था। आप पूरे फेस में लगा लीजिए। तो ये जो टमाटर और उसके ऊपर चीनी डालकर हम लगा रहे हैं, तो ये डबल काम करता है। एक तो स्क्रबिंग का काम करता है और दूसरा मास्क का काम करता है। लेकिन ये मास्क का काम करे इसके लिए आपको इसको अपने फेस पर लगाने के बाद आपको 20 मिनट्स छोड़ देना है। और अगर लगता है आपको कि आपके स्किन पे डेड सेल्स ज़्यादा है, तो आप एक टीस्पून की जगह 1.5 या फिर 2 टीस्पून चीनी ले सकते हैं। मेरे स्किन पे उतना डेड सेल्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ये चीज़ किया हुआ है, तो इसलिए मैं सिर्फ एक टीस्पून ही ली हूँ। तो आपको इसको ऐसे पूरे चेहरे पे, गर्दन पे लगा लेना है। तो अब मैं ये इसको पूरे स्किन पे लगा दी हूँ। अब इसको 20 to 25 मिनट्स रखने के बाद चेहरे को वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ। गाइस, तो मैंने अपना फेस धो लिया है, अब मैं इसको वाइप कर लेती हूँ और उसके बाद आप इसके इमीडिएट इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। तो मैंने अपना पूरा फेस वाइप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके पोस्ट इफ़ेक्ट्स कैसे हैं। आप मेरा नोज़ टिप देखिए कितना शाइन कर रहा है। मैं आपको क्लोज़अप लुक दिखा देती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक ज़रूरी बात, अगर आप कुछ भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना स्किन टेस्ट कर सकते हैं पहली बार। अगर आप टोमेटो यूज़ कर रहे हैं या शुगर अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है कि हर किसी का फेस जो है वो सेंसिटिव होता है, किसी लोगों का ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस प्रोडक्ट के साथ में भी कुछ एलर्जी हो, जैसे रेड रैसेस या कुछ हो सकते हैं। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए पहले स्किन टेस्ट कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।